लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनने पर किया ब्राह्मण सम्मान का समारोह आयोजन। 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाए जाने पर लीलाधर दुबे कल्लू महाराज ने ब्राह्मण सम्मान समारोह का किया आयोजन। ललितपुर क्षेत्र के समस्त प्रधान सदस्य, पीटीसी मेंबर एवं सभी महासभा के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष सभी उपस्थित रहे। हजारों की तादाद में लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई एवं शासन प्रशासन के द्वारा ब्राह्मण समाज पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में विचार व्यक्त किए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न शोषण को लेकर चिंता जताई एवं समाज को एक सूत्र में बांध कर साथ साथ चलने की सौगंध खाई। बताया कि ब्राह्मण सभी वर्गों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण हमेशा सबका भला सोचकर ही काम करता है। ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करना चाहिए। श्याम बिहारी दीक्षित, ब्यूरो चीफ, ललितपुर। ब्राह्मण कमजोर है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, हर व्यक्ति पीड़ा नहीं उठा सकता है, तन मन धन सब कुछ चाहिए, वही समाज को चला सकता है। लेकिन उनके साथ जो ये पीड़ा उठाता है, उनके साथ सभी को आगे हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। यहाँ से मैं थोड़ा और कहूंगा आप लोगों के लिए कि मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ब्राह्मण के लिए छोटी जनेऊ तिलक बहुत अति आवश्यक है। जो ब्राह्मण तिलक लगाकर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, अगर ब्राह्मण तिलक लगा के सामने जाता है, वो बात करता है, तो अच्छे खासों की भी बहुत ही बंद हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण का जो यक्ष अंगूठे से और मस्तिष्क से जाता है। महिलाएं बिंदी लगाती है, लेकिन उनका भेद कोई नहीं जान पाता कि वो बिंदी लगाती है। उनका यश निकल सकता जो ग्रंथियों की छुपा रहता है। ब्राह्मणों को तिलक लगाना चाहिए कि जब किसी के सामने खड़े होकर बात करो तो सामने वाले का आधा यश समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, मानव प्रेमी हो तो मैं इतना समय लूंगा, क्षमा चाहूंगा आपसे कि भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जिसमें 5 तत्व की शक्तियां हो। भगवान किसे कहते हैं? जिसे 5 तंत्र की शक्तियां हो। छत जल पाप श्रीरा, पंच तत्व बने श्रीरा, भा से भूमि, गा से गान, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नींद। भगवान उसे कहते हैं जो 5 तत्व की गति रोक दे, पानी का बसना रोक दे, नदियों का बहना रोक दे, सूर्य की गति रोक दे, वो है भगवान। इसलिए भगवान को पहचाने जो ब्राह्मण का सेवक होता है, उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। एक बार की बात है, विश्व में वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम जब पहुंचे, मैं क्या बताना चाहता हूं कि भगवान पर कृपा किसकी होती है। भगवान जब आश्रम में पहुंचे वाल्मीकि जी के, तो उन्होंने कहा गुरु जी प्रणाम, तो वो तो अंतर्यामी थे, वो भी खड़े हो गए, बोले प्रभु प्रणाम। तो भगवान ने उनसे कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है, यहाँ कहीं मेरे लिए रहने के लिए कोई स्थान बताइए। तो वहां पर मुनि जी ने क्या कहा, वाल्मीकि जी ने, कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे स्थान चाहिए, ऐसी कौन सी जगह संसार में है।